सवाल यह है कि हम लोगों का जो आज का जो डेट में जो ऑफर आया जून धमाका, इस जून धमाका ऑफर में से कौन सा जगह पे हम लोग काम करें जिससे हम लोग का जो भी बिजनेस हम लोग मई पे किए थे उसका डबल बिजनेस, या फिर हम लोग का डाउनलाइन को, क्योंकि हम लोग का जो ऑफर है उस पे डाउनलाइन का पास ज्यादा आजादी जाएगा, साथ में पीजीपी पे काम भी होगा, लॉयल्टी भी बढ़ेगा, तो हम लोग रोकड़ा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं इस जून धमाका ऑफर का साथ? कौन सा पॉइंट पर, कौन सा जगह पे अगर हम लोग काम करें तो हम लोग इस मंथ को भी मई से भी बड़ा मंथ बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर बोलिए, इन टर्म्स ऑफ मनी बोलिए, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स बोलिए, इन टर्म्स ऑफ रोकड़ा बोलिए, आजादी बोलिए, व्हाटएवर इट इज। तो इतना सारा जो पैकेज मोदी ने गिफ्ट ऑफर का साथ दिया है, तो कौन सा जगह पे हम लोग इस ऑफर में फोकस करें ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतर इस मंथ भी बना पाए और लास्ट मंथ से भी बेहतर बना पाए इस बिजनेस को, तो ऑफर का कौन सा जगह पे हम लोग काम करें? सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग का एक क्रक्स है, बहुत सारे है, लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं हर मीटिंग में बताता हूँ कि अगर आपके टीम में लोग नहीं आ रहे इसका मतलब आपका टीम नीचे जा रहा है, फंडा बहुत क्लियर है। हमने ऐसे ऐसे नेटवर्क को देखा है जिसका ज्वाइनिंग कम होते 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 वो नेटवर्कर आज ये इंडस्ट्री में ही नहीं है, क्योंकि जितने सारे लोग आएंगे वहीं से आपका रिटेलर बनेगा, वहीं से आपका कंज्यूमर बनेंगे, वहीं से आपका नेटवर्कर बनेगा। और ये खेल लॉ ऑफ एवरेज का है, अगर आप 20 लोगों के पास जाते हो उसमें से 10 लोग प्रोडक्ट लेते हैं, 5 लोग रिटेलिंग करते हैं, 1 लोग हो सकते हैं थोड़ा बहुत नेटवर्क करने का कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपको एक नेटवर्कर ढूंढने के लिए कम से कम 20 लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको अगर 5 नेटवर्कर ढूंढना है तो 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज तो यही रहेगा। कंपनी क्या कर रही है, लॉ ऑफ एवरेज को हेल्प कर रहा है आपका लॉ ऑफ एवरेज का जो रिजल्ट है उसको बढ़ाने के लिए। कैसे कर रहा है, कंपनी ने बोला कि आप नीचे वाले को रिवॉर्ड करो और उसको रिवॉर्ड करो जो अपने टीम बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। मैं जब अपना टीम बढ़ाने का कोशिश करूंगा तो उससे दो फायदा होगा, एक मेरा टीम में लोग ज्यादा आ रहे हैं, टीम बढ़ रहा है, दूसरा मैं इसी से निकालूंगा कोई नेटवर्कर या रिटेलर या कंज्यूमर, और कंपनी इस बिहेवियर को रिवॉर्ड करने का कोशिश कर रहा है। कैसे रिवॉर्ड करने का कोशिश कर रहा है, सूचक मैच। हम चाहते हैं कि आपका टीम बढ़े, आपका टीम में एक्टिविटी बढ़े, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कर या रिटेलर बने, उस बिहेवियर को कंपनी बोल रहा है कि हम रिवॉर्ड करेंगे जो इस बिहेवियर में काम करेंगे। क्योंकि आप आरबीडी बनो, जीबीडी बनो, आप सीडीडी बनो, टॉप टाइटल में चले जाओ, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस कभी चेंज नहीं होगा कि जितने सारे लोग फिर भी ज्वाइन करेंगे आपका बिजनेस उतना ही बढ़ता रहेंगे, आपका रोकड़ा उतना ही बढ़ता रहेगा। रोकड़ा आपके लिए लाएगा कौन, रोकड़ा आपके लिए लाएगा न्यू ज्वाइनी से मैक्स 19% तक आपका सबसे ज्यादा बिजनेस वही से आता है। ध्यान रखिएगा, न्यू ज्वाइनी से 19 या डायरेक्टर तक आपका 80% बिजनेस इसी लेवल से आता है, और इसी लेवल में आपने पंपिंग नहीं किया तो चेक कहां से आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सूत्र यह है कि आपका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम नीचे लेवल पे बनता है। कौन सा नीचे लेवल, फ्रॉम न्यू ज्वाइनी टिल द डायरेक्टर लेवल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम का खेल होता है, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम का खेल जहां होता है वहां पे अगर लोग पुश नहीं आते, लोग नहीं आते, तो आपका चेक बढ़ने का चांस कम। इसीलिए हमने पहली हमारा प्रमोशन लॉन्च किया जिसका नाम है चेक मैच। ये चेक मैच एक बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं। कोई लोग सोचते हैं सर ये तो प्रमोशन आ गया, मैं बोल रहा हूं ये प्रमोशन नहीं, आपके करेक्ट बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहा है कंपनी। ये तन्मय जी आप कहां चले गए, कोई पिक्चर दिखा रहा है? नहीं, मैं तो कौन शेयर कर रहा हूं। सेकंड आया हुआ है डबल पीवी। हाँ, ये बिजनेस में पैसे जितने चाहिए सम्मान भी उतने चाहिए, रिकॉग्निशन भी उतने चाहिए। डबल पीवी का क्या रीजन है, डबल पीवी का दो रीजन है। एक, हम चाहते हैं कि कम से कम आप एक से दो टाइटल जंप करो तो आपको भी लगेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर टाइटल जंप करना एक बात है तो हम भी जंप कर रहे हैं। डबल पीवी का खेल यह है कि नीचे वाले लोगों को जब डबल पीवी जाएगा वो भी टाइटल जंप करेंगे, और टाइटल जंप करने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा बीवी करेगा,
थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा करके आपके लेवल पे जो डायरेक्टर्स एंड अबव है उसके लेवल पे बीबी ज्यादा होगा, टाइटल भी बढ़ेगा, बीबी भी बढ़ेगा, टाइटल भी बढ़ेगा, चेक भी बढ़ेगा। इसीलिए हमने दोनों को कंबाइन किया। क्यों कंबाइन किया? हम चाहते हैं कि नीचे वाले लोग ज्यादा से ज्यादा आके आपको बीबी दे और ऊपर के लोग कोशिश करें अपना टाइटल एक दो बढ़ाने की। इसको कहते हैं पुश एंड पुल। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पुश एंड पुल आ जाता है तो बी श्योर, श्योर रहिए कि आपका नेटवर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि आपका चेक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार मेरा चेक 10,000 बढ़ेगा, वो 10,000 नहीं होके 3,000 बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आपका चेक, जब तक आपका ज्वाइनिंग, जब तक आपका बीवी पिछले महीने से 10 बीवी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका टीम में कुछ सही काम। आपका टीम में पिछले महीने ज्वाइनिंग 50 था, इस बार 52 हो गया, मतलब आपका टीम में कुछ सही काम। आपका पिछले महीने का चेक 10,000 था, आपने 11,000 कमाया, इसका मतलब आप डायरेक्शन सही है। लेकिन आपके टीम में पिछले महीना 50 ज्वाइनिंग था, उसके बाद 48 हो गया, उसके बाद 46 हो गया, उसके बाद 44 हो गया, समझ जाइए कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो इस ऑफर को, दोनों ऑफर को यूज कीजिए सही से। और आज का डेट में जब बाउंड्रीज नहीं है, आज का डेट में जब लोगों से मिलना इतना इजी है, तो खुलिए अपना मोबाइल। और आपका मोबाइल में जो 150 लोग है, आज टच करने का कोशिश कीजिए उनको। अभी तक मैं बता रहा हूं जितने 500 लोग मीटिंग में है, 80% लोगों ने अपने मोबाइल में जितना नंबर है उसको भी अभी तक टच नहीं किया होगा पूरा। और शांति से रहिए, एक वार्निंग दे रहा हूं, आप तो टच नहीं किए होंगे, आपका फ्रेंड उसको टच करके लेके भी चला गया होगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कितना बड़ा खेल है। आपका मोबाइल में अगर 150 नंबर है, आपके मोबाइल में अगर 150 नंबर है, ध्यान रखिएगा उसके मोबाइल जो आपका फ्रेंड है उसका मोबाइल में भी 150 नंबर होंगे। तो आप सिर्फ 150 लोगों से खेल नहीं रहे हो, 150x150 22,500 लोगों के साथ खेल खेल रहे हो। समझ लो कितना बड़ा खेल है। एक आदमी को अगर सही से पकड़ लिया, आप एक आदमी को सही से पकड़ लिया, वो आपको कम से कम 100 लोग लाके देंगे। लेकिन वो एक आदमी को पकड़ने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक आदमी को पकड़ने के लिए मेंटलिटी रखना चाहिए लंबा गेम खेलने के। एक आदमी को पकड़ने के लिए अगर आपको 20 लोगों का मेमोरीज अगर बनाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 20 लोगों को लाने के लिए आप समझ लो कितना मेमोरी जगह में नाम लिखना पड़ेगा। और आज का डेट में लोगों को नाम लिखने के बोलो, 6 लोगों के बाद उसको सोचना पड़ता है, ओ भाई साहब फिर कौन है, इसका नाम लिखूं, अरे भाई कौन है, नाम ही याद नहीं आ रहा है। होता है ना, हम लोग जब इसमें जाते थे ना, वो एग्जाम में, एग्जाम में जैसे पेपर आया, क्वेश्चन पेपर, उसी टाइम में हम सब भूल गए, भाई साहब इसमें लिखना क्या है, अब क्या करें। मैं तो बोल रहा हूं हर दिन दो दो नाम करके ऐड करते जाइए। बाल्टी का नीचे अगर हमारा छेद रहा, ऊपर में पानी डालने से लोग बोलते हैं नीचे से पानी निकल जाता है, यस ये बिजनेस में नीचे बाल्टी में छेद है, लोग निकल जाता आने के। लेकिन अगर आप स्पीड से लोग डालते हो, ज्यादा लोग रह जाएंगे, कम लोग निकल जाएंगे। इस ऑफर को ऐसे यूज कीजिए, इस ऑफर को ऐसे। थैंक यू सो मच सर।